आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा लेकिन आपके एक एक पाई चुका दूंगा। जब मिल जाएगा तब देख लेंगे, लौटा देंगे सामान। अभी आओ। बड़ों की इज्जत ऐसे की जाती है ना कि उन्हें धक्का देकर। पिछले कुछ दिनों में और आज शादी के दिन जो कुछ भी हुआ वो कुछ ज्यादा ही ओवरडोज हो गया। हट बैठे दादाजी, आप ठीक हैं? पर सुशील और शिवम, स्पेशली सुशील ने बहुत मेहनत की, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मेरे भाई भाभी की शादी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार इवेंट बनाने में। पर कुछ छोटी मोटी गड़बड़ों की वजह से ये इवेंट मेरी दादी के लिए भी यादगार इवेंट बन गया। अब कुछ यादें थोड़ी अच्छी होती हैं और कुछ थोड़ी बुरी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी का भी नुकसान हो। देखिए दादी ने तो साफ मना कर दिया था पर मेरे जोर डालने पर ने मना लिया, इसलिए ये आपकी पेमेंट लेकर आया हूं। सॉरी सुशील के मापा। सॉरी शिवम, सॉरी हेमा जी। हेमा जी? अरे हेमा जी, अरे हेमा जी आप, अरे सुशील तुमने बताया नहीं तुम लोग हेमा जी को जानते हो। अरे भाई कौन हेमा जी, हूँ दरिका, दरिका देसाई जामनगर से। अरे बिल्कुल हेमा मालिनी जैसे दिखते हो आप, बिल्कुल डिट्टो हेमा मालिनी, वो बसंती टाइप्स। दादाजी पैसे पूरे हैं ना, लाओ देखने दो। ओ हेलो, बात तो 7.5 लाख की हुई थी ना, इसमें 1 0 कम है। कौन सा 0 कम है, 7.5 लाख तो लिखा है। अरे हाँ जल्दबाजी में 0 लिखना भूल गई होंगी। ठीक है था नहीं पर अब ठीक हो गया। ओके दादाजी, मेरे और मेरे परिवार की वजह से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली। और हाँ कल या परसों तक आप लोगों को ये पैसे दे देंगे, ठीक है? हाँ सामान रख दो। सामान रख दो भाई, सामान रख दो। सुशील तू इस कॉलेज में पढ़ती है?
नहीं, पढ़ाती हूँ। हाँ इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा क्या लोगे, इतनी देर हो गई है। अरे नहीं नहीं सुशील के मापा, सॉरी अंकल, वो क्या है कि आज ही भाई की शादी हुई है, कल दिन में बहुत सारे काम होंगे, नेक्स्ट टाइम, और चाय नहीं मिल्क। अच्छा अंकल, अच्छा हेमा जी फिर मिलेंगे। जल्दी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।